जिन्होंने ये लेखक संगठन बनाया और ये मेरी प्रार्थना है कि बाकी लेखक संगठनों जैसा ना बने। अपनी बात कहने से पहले ही ये मैं बता दूं कि मैं ना तो डॉक्टर हूँ ना प्रोफेसर हूँ कि विधिवत शब्दों में बात करूँ, टुकड़ों में बात करूंगा और अपनी भावनाओं को संभाल के रखना, गड़बड़ ना जाए टूट ना जाए। हाँ, मेरे कारण बड़ी भावनाएं गड़बड़े देश भाई। ये बात हमारे लिए तो सरल की बात है कि किसी सदी में हम इस विषय पे बात कर रहे हैं, यही हमारे लिए बड़ी दुखदायी बात है। जिस देश के अंदर, और मैं आपसे ये भी बात नहीं करूंगा 1857 में क्या हुआ था ना, मुझे क्या मतलब, मैं तो केवल 3 साल की बात करूंगा आपसे, पिछले 3.5 साल, 3 साल के अंदर ये देश कहां जा रहा है। अभी जो मेरे से पूर्व मैडम बोल रहे थी प्रज्ञा, आप जरा सोचिए तो सही कि अभी हमने लखनऊ में दलित नाट्य महोत्सव किया तो दलित नाट्य महोत्सव का ही विरोध करने लगे लोग। दलित फिल्म फेस्टिवल क्या जिसमें नैमिष राय जी गए, फिर दलित साहित्य महोत्सव आयोजित कर दिया उसमें बहुत सारे आम मित्र जो आए थे। क्यों भैया, हमें क्या करना चाहिए था, ब्राह्मण महासभा का सम्मेलन करना चाहिए था, हमें वैश्य महासभा का सम्मेलन करना चाहिए था, क्या करना चाहिए था हमको, न्याय की हम बात ही कैसे कर सकते हैं। न्याय की बात का तो ब्रांड कहीं और रखा हुआ, वहां से आप सर्टिफिकेट लीजिए फिर आपको फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे न्याय देने के, अदरवाइज न्याय ना लेने का आके ना ध्यान देने का। एक बधाई मैं हरिप्रकाश उपाध्याय को देता हूं और अपने मित्र सूरज को। क्या ये संभव नहीं जिस तरह से आपने, मतलब इस समय जो दौर गुजर रहा है उसमें दलित साहित्य में विशेषांक निकालना, आपने सर्टिफिकेट ले रखा है भारत भक्त की तो नहीं लिया, तो सर्टिफिकेट जारी हो जाएगा। आज के दौर में ये पत्रिका, मेरी आप दोनों को सलाह है अगर मान लेंगे तो बहुत अच्छी बात है कि इसको पत्रिका को एक आंदोलन के रूप में हम आगे लेके चले। ये ऐसा मंच बने, ऐसा आंदोलन का रूप बने जिससे हम वंचित हैं इस देश में जो दलित, मैं बाकियों की बात नहीं करूंगा, मैं दूसरों को क्यों क्रिटिसाइज करूं, अपने को करूं। ये जो दलित लेखक संघ है इन्होंने जो इतनी सारी दुकानें बंद करी दूसरों की, इसलिए बंद करी थी कि हमारी दुकान जो है थोक का मामला है, थोक में बेचेंगे सामान, पर तुम्हारे तो शटर इतनी जल्दी बंद हो गए कि बंदर परेशान हो गए, जिन्होंने अपना सामान भी आपके रखवाया था स्टोर में, बिकेगा तो कुछ पैसे वैसे आएंगे, तुम लोगों ने तो शटर ही बंद कर दिया। किस ब्राह्मणवाद की आप शिकार है, किस ब्राह्मणवाद की उसे आप नफरत कर रहे हैं, किनके खिलाफ झगड़े फसाद करने के तैयार है और आंदोलन चलाने के लिए तैयार है। तुम्हारे भीतर स्वयं ब्राह्मणवाद पैदा हो गया है, उससे लड़ना सीखो दोस्तों। पिछले साल जब 14 अप्रैल को हमने लखनऊ में एक कार्यक्रम किया कि 21वीं सदी में दलितों में बढ़ता ब्राह्मणवाद, बाप रे बाप, ये क्या कर दिया 14 अप्रैल को, वो भी 14 अप्रैल को काम कर रहे हूं अलग दुनिया वाले कि 21वीं सदी में दलितों में बढ़ता ब्राह्मणवाद क्यों नहीं बढ़ेगा। उदित राज इसी चक्कर में लगा हुआ है, लखनऊ विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय में कौन कौन प्रोफेसर रिटायर होने वाले 31 दिसंबर के बाद, उनको रायसीना हाइप पे कैसे लेके जाए, उनको राष्ट्रपति के यहाँ कैसे मिलवाए, उतावले बैठे हैं दलित लेखक, ब्यूरोक्रेट्स तो बहुत ही ज्यादा उतावले हैं कि कहाँ जाए, कैसे मौका मिलेगा। यार रोको, तुम्हारे उनके पास अपने हीरो नहीं है और वो तुम्हारे हीरो पे वो खरीद क्रोध करके तुम्हारे हीरो को उन्होंने अपना हीरो बना लिया। जिस डॉक्टर अम्बेडकर के खिलाफ 5 जने ने और ऑब्जर्वर 5 जने ने 2012, 2011, 2009 में डॉक्टर अम्बेडकर की छीछा लेकर करके विशेषांक निकाले थे 5 जने ने,
महाजन ने 2014 के बाद और 2017 में दो बार विशेषांक निकाल चुका डॉक्टर अम्बेडकर पर। शर्म करो, उस विशेषांक में जितने भी देश के दलित लेखकों ने लिखा है ये शर्म की बात है। चुन चुन के पांच जनने के एडिटरों ने, एडिटर्स बोर्ड ने उन दलित लेखकों को ढूंढा है कश्मीर से कन्याकुमारी तक, जिसके अंदर बताया जाता है बार बार कि डॉक्टर अम्बेडकर और वीर सावरकर के बीच, और वो कौन था उनका फाउंडर गुरु, कौन सा गुरु था वो, क्या बड़ी अंडरस्टैंडिंग थी। डॉक्टर अम्बेडकर विभूत हो गए थे नागपुर जाकर, अरे वाह दलित लेखक हो, तुम अपने दुश्मन खुद हो, वो जमाना गए जो तुम्हारे दुश्मन थे, उनका तो कत्ल हो चुका, उनकी तो कब्रों पे कोई मर्सिया पढ़ने वाला नहीं रहा, अब जो तुम बना रहे हो, अब जिन तुम लोग जिन मूर्तियों को तैयार कर रहे हो वो बड़ी खतरनाक साबित होगी, आने वाली नस्ल तुम्हें नहीं माफ करेगी। क्या कर रहे हो, अपने राय को उनकी गोद में बैठा दिया, 70 साल के अंदर हम अपने नायक को नहीं समझ पाए, अपने असली हीरो को नहीं समझ पाए, गणेश को समझ रहे दोबारा से, संविधान बिकना बंद, मनुस्मृति की 3 साल से प्रिंटिंग की वांटेड हो गई, बहुत ज्यादा बढ़ रही है, कहां जा रहा है देश, हमारे माध्यम से जा रहा है, उन 56 इंचियों को क्रिटिसाइज करना बंद कर दो, उनकी गोद में हम जा रहे हैं और अपने आप उत्सुक हैं मौके की तलाश में। मैंने पहले ही कह दिया था कि मेरी बातें टूटी फूटी हैं, लेकिन मित्रों मैं फिर कह रहा हूं ये 2019 जो आ रहा है, 2019 के बाद खतरा है हरिप्रकाश उपाध्याय के लिए, सुभाष जाती के लिए, ने मिश्रा के लिए, तुम सब लोगों के लिए खतरा, अंदर जाने के लिए तैयार हो, ने मिश्रा मुझे उड़ा दे, इसलिए कि आप वो लिस्ट तैयार होंगी, तुम लोग क्या लिखते हो, क्या पढ़ते हो, तुम्हारी थाली में क्या है, तुम्हारी किताब में क्या है, तुम्हारे झोले में क्या है, ये सब का सब पहले दिखाना पड़ेगा आपको नागपुर में या दिल्ली के झंडे वाला में। आप विश्वविद्यालय में क्या पढ़ाएंगे वो तय करेंगे, आपके अपने शोधार्थी जो रिसर्च स्टूडेंट्स हैं किस विषय पर बात करेंगे, रिसर्च किस पे कराएंगे आप वो तय करेंगे, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर नहीं करेंगे। बड़ी अजीब बात है, ये जो ब्राह्मणवाद को ब्राह्मणवाद की बातें कर रहे हो, ये ब्राह्मणवाद मैंने कल रात को भी दोस्तों को कह रहा था, ये डायबिटीज की बीमारी है शुगर की, जिन लोगों को बहुत भयंकर शुगर हो जानता है कि शुगर शरीर में घुसते ही सबसे पहले शरीर के उस हिस्से पे हमला करता है जो सबसे ज्यादा कमजोर होता है, अगर आपकी आंखें गड़बड़ है तो शुगर सबसे पहले आपको अंधा कर देगा, पैर कमजोर है तो आपको पैरालाइज करा देगा, ये जो शुगर ब्राह्मणवाद का इलाज करना बहुत जरूरी है। एलोपैथ कहता है शुगर का कोई इलाज नहीं है, ब्राह्मणवाद का भी नहीं है, और अगर हम नेचुरल पेथी में जाएंगे तो दोनों का इलाज है। हमें उन जो गिफ्ट पैक हमारे दुनिया में बेचे जा रहे हैं शुगर फ्री आर्टिफिशियल जो शुगर फ्री है उससे बचना पड़ेगा, आर्टिफिशियल शुगर फ्री जो है ये ब्राह्मणवाद है, ये ब्राह्मणवादी आर्टिफिशियल शुगर है, ये ब्राह्मणवादी आर्टिफिशियल जो हमारे बीच में आ गए हैं, हमारी तरह से सोचने का दावा करते हैं, हमारी तरह से दिखने का दावा करते हैं, कुछ दिनों के बाद हम उन जैसे हो जाते हैं, वो हमारे जैसे नहीं होते। क्या बात कर रहे, 70 साल हो गए और इस देश के अंदर दलितों के हिस्से का 15 अगस्त नहीं आने दी हमने, दलितों को हम फील गुड कराते कि 15 अगस्त है, 26 जनवरी फील गुड करो, दलितों के हिस्से का 26 जनवरी 15 अगस्त कब आएगा इस पर सोचने की जरूरत। बड़ी दुख की बात, कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक आदमी कैसे कह सकता है आज से 40-35 दिन पहले के 365 सीट आएंगी, अरे वाह ये कौन दावा कर रहा है, अमित शाह ने कैसे कह दिया 2019 की पार्लियामेंट इलेक्शन के अंदर हमारे पास 265 सीट आने वाली है, क्यों भैया
ये क्या चक्कर है? ये खुले आम साइकोलॉजिकली जो आपको टॉर्चर किया जा रहा है, आप अलग थलग ना पड़ जाए इसलिए पहले से हमारे उदित राज जैसों के पास आ जाओ। तुम्हें राष्ट्रपति बनाना तो तुम्हें वो दलित चाहिए जो फिरकी की तरह घूम सके। तुम्हें लोकसभा अध्यक्ष बनाना है तो वो चाहिए जो फिरकी की तरह घूम सके। जो तुम्हें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाने, हाई कोर्ट के बनाने, तो वो चाहिए कि फिरकी का हाथ जिस ब्राह्मण के हाथ में हो और फिरकी की तरह घूमे। मैंने तो पहले ही कह दिया था 2 मिनट एक्स्ट्रा रखना। मेरे भावनाओं को समझते हुए मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, इस देश में झूठ मूठ के आडंबरों से प्रभावित होना हम लोग बंद करें। वह लोग हमें झूठ मूठ में डराते हैं, डरे भी तो खुद हैं, जिनके पास अपने ना कोई हीरो हैं, ना उनके पास कोई हथियार है, ना उनके पास दिमाग के हथियार है। उनके तमाम ग्रंथ वो झूठ की बात करते हैं, कोई कह रहा था धर्म और झूठ की बातें कर रहे थे। दुनिया के सारे धार्मिक ग्रंथ झूठ से भरे हुए हैं। उसके अतिरिक्त किसी उपन्यास में एक गुलशन नंदा के उपन्यास में इतनी झूठ नहीं है जितनी तुम्हारी भागवत गीता में और रामचरितमानस में झूठ है। गुलशन नंदा के उपन्यास में इतनी झूठ नहीं है। इतना जितना अश्लील साहित्य तुम्हारे धर्म ग्रंथों में, इतना अश्लील साहित्य मैंने कौड़ियापुर से चोरी में 25 पैसे की किताब बचपन खरीद के अश्लील साहित्य नहीं पढ़ा जितना तुम्हारे धार्मिक ग्रंथों में अश्लील साहित्य। इसलिए दोस्तों मैं फिर कह रहा हूं, तैयार हो जाओ। मंतव जैसी पत्रिका में अगर इस लोगों ने एक 35-36 साल का लड़का 56 इंच के सामने 21वीं सदी में दलित साहित्य पे पत्रिका का विशेषांक निकाल रहा है और खासकर उन मठाधीशों को उसमें जगह नहीं दे रहा, दलितों के भी बड़े मठाधीश हैं, उनको जगह नहीं दे रहा, यूथ को दे रहा है। कोई साउथ कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के इसके अंदर 10-12 लेखक हैं जिनकी उम्र 28 है 30 है 34 है 34 है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जो काम ने किया था कहीं में अगर सूरज बढ़िया जाते बढ़ सकता और हरे हो हरे प्रकाश आगे आ रहा है तो ये काफिला रुकना नहीं चाहिए दोस्तों, और हम लोग आगे बढ़ते हुए नजर आने चाहिए। उन डरे हुए लोगों को बताने की जरूरत है कि हम तुम्हारे उस भय से भयभीत नहीं है जो तुम्हारा भय स्पॉन्सर्ड है, और हमें अपने नायक डॉक्टर अम्बेडकर को बचाना होगा उनकी गोद में जाने से, क्योंकि हमें कुछ तो लौटाना ही होगा डॉक्टर अम्बेडकर को। बहुत बहुत धन्यवाद।